सो गाइस ज़्यादातर जो है मैं मेरे सेटअप के बारे में बताता नहीं हूँ कि मैं किससे शूट कर रहा हूँ, क्या लाइट यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये बैकग्राउंड है या फिर मेरा सेटअप है, ये सब चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ बिकॉज हमारा जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड SEO का जो है कॉन्टेंट है एंड हम ज़्यादातर ऐसे सेटअप के बारे में बोल देने हैं। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जो है वीडियो जो है शूट करने के लिए मैं DSLR का यूज़ करता हूँ, कैनन 200D Mark II। एंड ये लाइट जो देख रहे हो भाई, लाइट बहुत ही बेकार है। एंड माइक मैं बता दूँ, माइक मैं यूज़ करता हूँ मोनो का AU04 जो प्रोफेशनल माइक है। एंड मेरा PC भी देख सकते हो, हाई एंड PC है, हाई एंड RX 570 ग्राफिक्स कार्ड, 8GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ हाई एंड 4K एडिटिंग PC है। ओके एंड बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सब सही है, मेरा बिल्कुल सब कुछ प्रोफेशनल सेटअप है। बट एक चीज़ बता दूं, मैं लाइट जो यूज़ करता हूं भाई, मैं लिटरली ट्यूब लाइट यूज करता हूं मेरे शूट के लिए। ये जितने भी लाइट्स देख रहे हो ये बैकग्राउंड में, मतलब कि बैकग्राउंड लाइट, की लाइट, मेन लाइट, सब कुछ ट्यूब लाइट ही है। कैसा ट्यूब लाइट मैं दिखा देता हूं भाई, देख सकते हो ये जो ट्यूब लाइट है। ओके तो ये जो ट्यूबलाइट है देख सकते हो, ये एक ट्यूबलाइट है, पूरा ट्यूबलाइट जैसे हम घर में यूज़ करते हैं। एंड मैं इसको बेसिकली एक जो है स्टैंड के साथ इसको ब्लैक टेप से, देख सकते हो ब्लैक टेप से लगा दिया हूँ। एंड मैं बेसिकली ऐसे ही शूट करता हूँ, देख सकते हो इसको जो है कहीं भी लगा दो, कहीं भी ऐसे रख दो तो भी लाइट मस्त आता है। एंड देख सकते हो अभी भी लाइट सही है, बट ये प्रोफेशनल लेवल का नहीं है यार। एंड हमको जो है प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके तो बेसिकली बताऊँ, लाइट जो होता है, एक ट्यूबलाइट होता है, इसका भी मतलब कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लाइक आप अगर बजट में बनाना चाहते हो कुछ भी लाइटिंग सेटअप, तो ट्यूबलाइट बहुत सही है यार। एंड बाकी जितने लाइट होते हैं वो हार्ड लाइट होते हैं, एंड ट्यूबलाइट सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करता है। LED ट्यूबलाइट यूज़ करना, बहुत सॉफ्ट लाइट यूज़ करता है। बट मेरे सेटअप को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश किया, एंड इसीलिए ही मैं खास करके एक सॉफ्ट बॉक्स लेके आया हूँ, एक प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्ट बॉक्स लेके आया हूँ। ऐसा नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स नहीं, गाइस किसी LED सॉफ्ट बॉक्स ऐसे बना के नहीं लाया भाई, बिल्कुल ही प्रोफेशनल, जैसे टेक्निकल योगी हो गए, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं, एंड उसी तरीके का हाई एंड प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉक्स लेके आया हूँ। तो मैं जो सॉफ्ट बॉक्स यूज करने वाला हूँ उसमें बेसिकली मैं जो लाइट लेके आया हूँ, जो मेन लाइट है वो है गोडेक्स का SL60W लाइट है। एंड इसमें रिमोट के साथ आता है जो कि मुझे बहुत ही मस्त लगता है। एंड जो हम जो सॉफ्ट बॉक्स यूज करने वाले हैं वो भी गोडेक्स का 80 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स होने वाला है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉक्स होने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या कुछ उसमें मिलता है। मैं डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ, पैकेज आया, तो उसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, देन उसको सेटअप करेंगे, कैसे सेटअप करना है सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में, एंड लास्ट में बताऊंगा कि कैसा जो है डिफरेंस आ रहा है अभी के लाइट में एंड जो है मैं सॉफ्ट बॉक्स यूज करूंगा उसके लाइट में। ज्यादा देरी ना करते हुए चलो गाइस इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये जो है पैकेज आया है अमेजोन से, एंड मैंने पिछले 7 दिन पहले मंगाया था एंड अभी आया है बिकॉज गांव में थोड़ा लेट आता है यार। ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो चौकोर वाले बॉक्स में, यानी रेक्टेंगल वाले बॉक्स में, इसमें है हमारा लाइट जो SL60 लाइट गोडक्स का, एंड जो सिलेंडर वाला बॉक्स है उसमें मे बी हमारा सॉफ्ट बॉक्स है। तो चलो इसको जल्दी से खोलते हैं एंड मैं आपको थोड़ा स्किप करके दिखाई देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ओके तो ये है हमारा न्यू कोडक्स का SL60W का लाइट जो कि मुझे करीब 8,500 के करीब पड़ गया है अमेजोन से। तो गाइस ये है हमारा गोडेक्स का छत्ता, ओके मतलब कि सॉफ्ट बॉक्स। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल डिसअसेंबल होके आया है, हमको असेंबल करना पड़ेगा। हमारे पास जो है ग्रिल्स हैं, देन छत्ता है, उसको उसमें डालना पड़ेगा, बहुत कम करना बाकी है। तो चलो इसको जल्दी से लगाते हैं इस पे यार, देन फिर हम सॉफ्ट बॉक्स लगाएंगे।
बिल्कुल ही रेडी कर दिया है, सब कुछ लगा दिया है। एंड भाई बहुत मुश्किल था थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम हुआ लगाने में, तो चलो अभी इसको मैं जो है मेरे सेटअप पे लगा देता हूँ, बिल्कुल ही एक सेट कर देता हूँ जैसे मैं लाइट यूज़ करता हूँ वैसे। एंड देखेंगे कि पिछले वाले लाइट के मुकाबले, हमारे ट्यूबलाइट के मुकाबले अभी का सॉफ्टबॉक्स कैसा डिफरेंस देता है, इतने प्राइस का क्या मतलब कि फल क्या निकलता है। तो चलो देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। तो गाइस अब आता है मेन टेस्टिंग की बारी। तो देख सकते हो ये जो है ये हमारा पुराना सेटअप है, मतलब कि पुराना लाइटिंग सेटअप है। एंड भाई देख सकते हो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा है। एंड मेरे बैकग्राउंड में जो ट्यूबलाइट लगा है वो अभी ऑन नहीं किया हूँ, वो बाद में ऑन करेंगे कभी, अभी इस वीडियो में जरूरत नहीं है उसका। ओके तो देख सकते हो अभी जो है ये ट्यूबलाइट वाला सेटअप है। एंड अभी हम स्विच करेंगे हमारे न्यू सॉफ्टबॉक्स वाले सेटअप पे। तो चलो स्विच करते हैं, पहले हमको रिपोर्ट ले आता हूँ। तो चलो स्विच करते हैं हमारे सॉफ्टबॉक्स वाले सेटअप पे, कैसा लाइट आता है वो सभी देखेंगे। ओके तो 3 2 1 गो। ओके तो देख सकते हो अभी जो लाइट आ रहा है भाई हमारा सॉफ्टबॉक्स से आ रहा है। एंड भाई लाइट देख सकते हो कितना सॉफ्ट आ रहा है फेस पे। एंड बैकग्राउंड भी देख सकते हो, बैकग्राउंड पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रहा, मतलब कि बैकग्राउंड बिल्कुल ही डार्क है। इससे बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक दिखता है शॉट्स। एंड आपको भी पता चल गया वो पहले वाले जो लाइट का सेटअप था एंड अभी जो लाइट का सेटअप है कितना डिफरेंस है भाई, देख सकते हो, अभी देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। एंड एक मेन चीज़ बताता हूँ, ये जो लाइट है ना मैं इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये जो रिमोट दिया है गोडेक्स का, इसमें मैं जो है इसके ब्राइटनेस को कमा बढ़ा सकता हूँ। लाइक देख सकते हो मैं इसको अभी कमा भी सकता हूँ एंड फिर हाई भी कर सकता हूँ। ओके ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड मैं जो है ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ लाइट को, देख सकते हो अभी ऑफ हो गया है। एंड मैं उसको एक क्लिक पे ऑन भी कर सकता हूँ, ये बहुत सही लगा मुझे। एंड बिल्कुल ही प्रोफेशनल लाइट है, प्रोफेशनल लाइट सेटअप आता है। एंड पहले के मुकाबले अभी जो लाइटिंग का क्वालिटी एंड वीडियो का क्वालिटी है देख सकते हो गाइस बहुत ही इंप्रूव हो गए। एंड मेरे जो चश्मे पे जो एक लाइन आता था, उस जो है ट्यूबलाइट का लाइन आता था, अभी वो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। देख सकते हो अभी बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है, एक जस्ट छोटा सा साइन आ रहा है जो कि बहुत क्यूट दिख रहा है सॉफ्टबॉक्स की वजह से। एंड भाई अभी वीडियो का क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो गया है, तो अभी जो है वीडियो बनाने में मजा आएगा ना। तो देख लिया आपने एक नॉर्मल ट्यूबलाइट सेटअप एंड एक सॉफ्टबॉक्स प्रोफेशनल सॉफ्टबॉक्स का फर्क कितना है वो पता है। तो इसे देख कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, तो भाई ये बंदा इसका 3,500-4,000 सब्सक्राइबर है एंड ये सॉफ्टबॉक्स DSLR ये सब प्रोफेशनल सेटअप ये कैसे खरीद रहा है। भाई उन लोगों को बता दो हम जो है ब्लॉगर्स हैं, हम ज़्यादातर यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रहते, हमारा वेबसाइट बहुत सारे हैं एंड शॉर्टनर बहुत सारे हैं, तो हम ऐसे ही अर्निंग करते हैं। यूट्यूब जस्ट एक शो ऑफ के लिए है यार, बैकग्राउंड मतलब एक बैकअप काम है। ओके तो भाई अगर ये सेटअप अच्छा लगा, ये सॉफ्टबॉक्स अच्छा लगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हो एंड फर्क देख सकते हो पिछले वाले लाइटिंग एंड अभी वाले लाइटिंग में। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।